पेंट, प्लाईवुड एवं हर प्रकार की हार्डवेयर से संबंधित आइटम खरीदने के लिए संपर्क करें छाबड़ा हार्डवेयर बड़ा बम मिश्रा हॉस्पिटल के सामने। जी बताइए क्या होगा आप बिलासपुर अस्पताल में उपस्थित हो। देखिए मैं करीब 8-10 दिन से सरकारी हॉस्पिटल में विजिट कर रहा हूँ, लापरवाही मैं देख रहा हूँ यहाँ पर, इतनी बहुत लापरवाही है यहाँ पर। एक तो सिटी स्कैन कोई प्राइवेट ठेकेदार को दे दिया गया है जो कि सरासर लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है। जो भी सिटी स्कैन कराने आ रहा है उससे आयुष्मान कार्ड मांग रहा है, और आयुष्मान कार्ड नहीं है जिससे उससे 1250 रुपये ले रहा है, और जिसके पास आयुष्मान कार्ड है उनसे भी ये देखता है कि गांव के हैं कि बाहर के हैं, तो उनको बोलता है कि भैया आचार संहिता है, आयुष्मान कार्ड बंद है। इस तरीके से सरकारी हॉस्पिटल में लूटामारी चरम सीमा पर है। आप देखिए हॉस्पिटल में एक एनेस्थीसिया डॉक्टर नहीं है, यहाँ पर ऑपरेशन होने में बहुत दिक्कत हो रही, 8-10 दिन में ऑपरेशन नहीं हो रहे हैं। जीता जागता उदाहरण है, ये लोग हैं ये आए हैं, इनका 5 दिन से इनका मरीज भर्ती है, उसकी स्थिति बहुत ख़राब है, उसको तुरंत ऑपरेशन की आवश्यकता है, लेकिन यहाँ पर किसी भी डॉक्टर या कोई भी हॉस्पिटल में CHMO साहब हो या कोई भी जो भी बड़े बड़े अधिकारी, उनके माथे पे जू तक नहीं रेंग रही है। तो कब तक खंडवा का हॉस्पिटल लापरवाही का शिकार होता रहेगा, कब तक गरीबों का ऐसा शोषण होता रहेगा? कोई तो होगा जो आवाज़ उठाए, सब आचार संहिता में लग जाए, सब अपने काम में लग जाए, तो क्या आचार संहिता में कोई आवाज़ नहीं उठाएगा? हम आवाज़ उठाएंगे। हम प्रत्येक व्यक्ति जो भी गरीब इंसान है, अच्छा इंसान है, अगर उसको इलाज नहीं मिलेगा तो चाहे आचार संहिता लगे, चाहे कुछ भी लगे, हमको जेल जाना पड़े, कुछ भी जाना पड़े, लेकिन हम आवाज़ उठाएंगे। और कल मैं 11 बजे यहाँ पर धरना प्रदर्शन करूँगा, मैं अकेला बैठूँगा, आचार संहिता का मैं पालन करता हूँ, लेकिन मुझे इनकी भी तकलीफ देखनी है। चुनाव तो हर 5 साल में आते जाते हैं, लेकिन कभी किसी का पेट टूटा है, हाथ टूटा है, और वो समय पर इलाज नहीं मिलेगा तो उसका जीवन चले जाएगा। मैं आचार संहिता का सम्मान करता हूँ, लेकिन मुझे इस अस्पताल में जो लापरवाही हो रही है वो भी मुझे उसको भी देखना है। इसको देखते हुए मैं कल 11 बजे यहाँ पर सांकेतिक धरने पर बैठूँगा, अकेला बैठूँगा, चुपचाप बैठूँगा, काली पट्टी बांध कर बैठूँगा, क्योंकि अस्पताल की व्यवस्थाएँ सुधारे कब तक खंडवा की जनता मरेगी? अब तुमने मेडिकल कॉलेज बना लिया है, उधर जाओ तो बोले मेडिकल कॉलेज में, इधर आओ तो हॉस्पिटल के, तुम अपना कैसे नहीं, तुम तुम्हारा पेचअप क्यों नहीं कर पा रहे हो? उस साइड जाओ तो बोले मेडिकल कॉलेज वाले देखेंगे, इधर आओ तो बोले वो देखेंगे मेडिकल कॉलेज, उधर जाओ तो डॉक्टर देखेंगे, तो कैसा, कब तक खंडवा की जनता, खंडवा जिले की जनता? ये बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, यहाँ पर बड़े विश्वास के साथ जनता आती है, लेकिन उसके साथ सिर्फ धोखा होता है। आप देखिए करोड़ों रुपये हॉस्पिटल की क्या हालत है, मरीज नीचे लेटे हैं, किसी का हाथ टूटा हुआ है, किसी का गर्दन टूटी हुई, किसी का पेट, सब ऑपरेशन का इंतजार कर रहे हैं, और गुरुवार को मात्र एक दिन ऑपरेशन होता है। कितने कर लोगे आप एक गुरुवार में? 5-7 ऑपरेशन से ज़्यादा नहीं। तो आप देखिए इतना बड़ा हॉस्पिटल और गुरुवार को सिर्फ 4-5 ऑपरेशन हो रहे हैं। तो मेरा माननीय कलेक्टर महोदय से, माननीय महोदय जो भी यहाँ के नेता हैं, सभी से मेरा निवेदन है कि कृपया करके सारी चीज़ें छोड़ो, चुनाव तो आते जाते रहेंगे, लेकिन कभी कोई बड़ी दुर्घटना घट गई तो इसका जवाबदार कौन होगा? हमको सबको मिलकर खंडवा की व्यवस्था सुधारनी है, और हमें यहाँ के जो सिस्टम है उसको सुधारना है। तो आप मेरा साथ दीजिए और हम सब मिलकर इस खंडवा के अस्पताल की व्यवस्था सुधारेंगे। कल 11 बजे मैं काली पट्टी बांध कर चुपचाप अकेला के कोने में बैठ जाऊँगा, लेकिन मैं मेरी जवाबदारी पूरी निभाऊंगा। कहाँ पर करोगे धरना प्रदर्शन? नहीं, गेट पर नहीं, गेट जगह मतलब कहाँ पर? जहाँ पर भी कोई डिस्टर्ब नहीं हो मैं वहाँ पर मतलब कहाँ हॉस्पिटल में बैठोगे कहाँ बैठोगे? हॉस्पिटल की मैं इसमें जगह पर बैठूंगा जहाँ किसी को कोई परेशानी नहीं हो, आचार संहिता का पालन करते हुए। मैं ये बताना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से, देखो मीडिया एक चौथा स्तंभ है, वो बताएगी, तो मेरे को लगता है अगर 20% भी अस्पताल की व्यवस्था सुधरती है तो जो गरीब लोग हैं, देखिए ये दिखाइए भाई साहब, अगर आप बताओ आपकी क्या समस्या इधर आओ, ये देखिए। अभी मैं चिट्ठी बनाने गया तो 4 लोगों ने आके बोला, हम स्टाफ के लोगों ने, तो स्टाफ के लोगों ने लाइन में लगे कि जनता लाइन में लगेंगी, ये कौन बिगाड़ रहा है? स्टाफ के लोगों ने हम जाके पहले चिट्ठी बनाएंगे और हम आती देर से लाइन में लगे हो क्या कर रहे हैं? एक्सरे नहीं हो रहा है दादा, तुम बताओ क्या तकलीफ है? दादा हमको तो भर्ती करने गए थे तो बोला पेट में तकलीफ है, रात में तकलीफ। मतलब आप देखिए करोड़ों रुपए, ये देखो पूरी करोड़ों रुपए सरकार में आ रहे हैं, आचार संहिता के नाम पर बोल रहे हैं धरना प्रदर्शन नहीं होगा तो ये भूल जाओ, आचार संहिता में धरना प्रदर्शन उसका भी एक तरीका होता है। हम सबका सम्मान करते हैं, लेकिन हमारी पब्लिक को अगर दुख हुआ, दर्द हुआ तो कौन खड़ा रहेगा? आप लोग तो चुनाव में लग गए, ऐसा नहीं होता है, चुनाव जितना ही आपका लक्ष्य नहीं होता, मानव सेवा सबसे बड़ी सेवा है, और आपको इनके लिए खड़ा होना पड़ेगा। दुख होता है जब हम आते हैं ना, लोग हमारे पास आते हैं, रोज़ फोन आते हैं, 50-50 मुल्लू भैया ये नहीं हो रहा, मुल्लू भैया मैं कब तक दौड़ूंगा? आपकी भी तो कोई जवाबदारी है। आपका परिचय बताइए। मुल्लू राठौर, नगर निगम नेता। जी हाँ, अब आपके घर को सुंदर बनाने की जिम्मेदारी हमारी, फिर चाहे पुट्टी हो या कलर,
प्लम्बिंग फिटिंग्स हो या सैनिटरी फिटिंग्स, प्लाईवुड वर्क हो या हो इंटीरियर डेकोरेशन, पूरे खंडवा में अब सबसे किफायती रेट पर अमन छाबड़ा का छाबड़ा हार्डवेयर, कर्मवीर कॉम्प्लेक्स के सामने बड़ा बम खंडवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क कीजिए